गोला थाना क्षेत्र के दो घरों में हुई भीषण चोरी। ग्राम बाटी तरिया में रोहन यादव स्वर्गीय अजय यादव के घर पर पीछे से दीवार के सहारे चढ़कर चोरों ने घर खंगाल कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं गांव में ही राधेश्याम यादव के घर पर भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं मेहंद्राओं गांव में अच्युतानंद दुबे के यहां भी चोरी की 10,000 रुपए के सामान के साथ हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह गृह स्वामियों को हुई। घटना की सूचना थानाध्यक्ष गोला को लिखित दिया गया। अज्ञात लोगों ने की बाइक की छिनैती। गगहा गोरखपुर, जनपद गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम ढेबरा निवासी प्रदीप निषाद बाइक नंबर UP 53 AH 1719 से बीते शाम को अपनी बाइक से अपने रिश्तेदारी गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनबरसा को रविवार सायंकाल 7 बजे आ रहे थे कि स्टेट बैंक जगदीशपुर भलवान के पास बाइक बंद कर उस पर बैठे दो युवक खड़े थे। बाइक को रोक दिए और चाबी निकाल लिए। चाबी मांगने के बाद कुछ हाथापाई करने लगे और बगल में खड़ा युवक पीछे हट गया और मेरी बाइक लेकर फरार हो गया। पीड़ित युवक ने गगहा थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। तहसील का मेन गेट बना मुतरा रहे, लोगों को हो रही असुविधा। बागांव तहसील मुख्यालय का दृश्य जहां मेन गेट मुतराले बन गया है। लोग आने जाने में काफी असुविधा होती है। काफी बदबूदार सुगंध से लोग परेशान है। गंभीर बीमारियों के भी फैलने का खतरा बना हुआ है। जी है कि सब लोग यहाँ SDM महोदय है, IAS अधिकारी है, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है और यहाँ इसी रास्ते आती जाती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और पूरे क्षेत्र भर के लोग आते हैं, पेशाब करते हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई एक पाउडर कहिए चाहे चूना कहिए, कुछ नहीं छिड़का जा रहा है और यह सबसे बड़ी महामारी का जो है कारण बन जाएगा। इस पर कोई ध्यान नहीं, बदबू कर रहा है। यहाँ आप हम खड़े हैं लेकिन बदबू कर रहा है। यही आपसे हमारा निवेदन है कि इसको आप जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह उठाइए, सरकार का ध्यान जो है इस पर आकृष्ट हो। बैंक की लापरवाही से परेशान दिखे उपभोक्ता। बागांव भारतीय स्टेट बैंक का नजारा है जहां पर उपभोक्ता द्वारा अपना खेत बेच के अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा गया था, परंतु बैंक द्वारा स्टाम्प लगा दिया गया है, न तो उसका अकाउंट से पैसा दिया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है, उसे नया अकाउंट खोलने की सलाह दी जा रही है। मामला ये कि मैं खेत बेचा हूँ और लड़की की शादी के लिए, तो पैसा हम निकाले तो पैसा फिर होल्ड कर दिए, तो ये फार्म दे रहे हैं दूसरा खाता खुलवाने का। हमारे 9,10,100 कुछ रुपया बेटी की शादी के लिए रखते थे। बेटी शादी के लिए कौन से बैंक में अकाउंट है? ये भारतीय। कितने दिन से दौड़ रहा है आप? अभी तो आज ही साहब निकालने गए तब निकल ही नहीं रहा पैसा। दिन भर की बड़ी खबरों। गोला थाना क्षेत्र के दो घरों में हुई भीषण चोरी। ग्राम बाटी तरिया में रोहन यादव स्वर्गीय अजय यादव के घर पर पीछे से दीवार के सहारे चढ़कर चोरों ने घर खंगाल कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं गांव में ही राधेश्याम यादव के घर पर भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। वहीं मेहंद्राओं गांव में अच्युतानंद दुबे के यहां भी चोरी की 10,000 रुपए के सामान के साथ हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुबह गृह स्वामियों को हुई। घटना की सूचना थानाध्यक्ष गोला को लिखित दिया गया। सड़कों की दशा खराब। बागांव विधानसभा का यह नजारा है जहां पर सड़कों की दशा बद से भी बदतर हो रही है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा स्थानीय प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है। यहां के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रह चुके जय प्रसाद ने बताया कि विधानसभा की लिंक मार्ग सभी जर्जर पड़े हुए हैं। मुख्य मार्गों का तो निर्माण हो गया है, परंतु लिंक मार्गों का निर्माण न होने से लोगों को आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिससे लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। आइए जानते हैं सड़कों की क्या दशा है। सड़कों की दशा ये है कि जो बाहरी सड़क है वो तो ठीक है,
अंदर की सड़क नहीं ठीक है, अंदर की सड़क ठीक हो जाए। पूरी तरह से मिला डायरिया पर काबू। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत अचानक डायरिया का प्रकोप बढ़ जाने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। लगातार मरीज भर्ती होने लगे, यहां तक कि सीएमओ का रोजाना यहां पर दौरा होने लगा। काफी मशक्कत के बाद अब डायरिया पर पूरी तरह से नियंत्रण मिल चुका है। इस संबंध में अधीक्षक ने बताया कि अब एकता दोता ही मरीज रह रहे हैं, अब हम लोगों को कैंप भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। ऐसे में डायरिया साहब का बराबर निर्देश हम लोग को मिलता रहा, 5 दिन उन्होंने भी निरीक्षण किया और उसके बाद हम लोग को सफलता प्राप्त हो गई। अब क्या कंडीशन है? अब कंडीशन पूरी तरह काबू में है, इक्का दुक्का मरीज बिल्कुल नॉर्मली।